changes its direction. See, when we are applying the field, so as soon as we apply the field on the atom, the state changes. So what is happening in the cesium atomic clock is that the atoms are initially in both these states. ऊपर वाली में भी होंगे और नीचे वाली में भी होंगे. फिर हम एक मैग्नेट लगा के सिर्फ एक स्टेट में एटम्स को चूज कर लेते हैं. ओनली वन एटम्स आर गोइंग. नाउ वी अप्लाई माइक्रोवेव्स ऑन दीज एटम्स. अगर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी इनकरेक्ट है तो एटम्स सीधे चलते रहेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज, उनका स्टेट चेंज नहीं होगी. लेकिन जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की करेक्ट हो जाएगी तो एटम्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बिकॉज वो दूसरी स्टेट में पहुंच जाएंगे. Atoms will flip and you will detect a signal. So frequency is very important now to change the state. And this, अगर जो है frequency सही होगी तभी atoms जो है इस state में जाएंगे. So this is the principle that एक cesium atom है initially जो both the states में है. फिर ये magnet जो है एक particular state में atoms को भेजता है. अगर ये माइक्रोवेव्स जो इसके ऊपर शाइन कर रही है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी करेक्ट होगी तभी वो डिटेक्टर पे पहुंचेगी एटम्स. सो दिस इज द एटॉमिक क्लॉक व्हिच इज व्हिच वी हैव इन एनटीएल एंड व्हिच इज गिविंग द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. जो आपकी घड़ियों में टाइम आ रहा है वो इस वाले एटॉमिक क्लॉक से आ रहा है. ये एटॉमिक क्लॉक को हम ज्यादा एक्यूरेट कर रहे हैं अभी. नाउ सी, दिस इज ए क्लॉक टेक्नोलॉजी व्हिच इज अबाउट 20 इयर्स ओल्ड. So now we have done more research in the lab to make it more accurate. तो वो कैसे कर रहे हैं हम? तो फिर हमने क्या करा कि इसमें Heisenberg's uncertainty relationship लगाया हमने. Delta E delta T is greater than h bar 2. अगर इसकी line width को कम करना है, frequency accuracy को कम करना है, delta nu को कम करना है अगर हमें, तो हमें atom और field के बीच में interaction time बढ़ाना पड़ेगा. That means delta T को बढ़ाना पड़ेगा, delta E को कम करना है अगर हमें. That means delta nu को अगर हमें बढ़ाना है और कम करना है तो delta T बढ़ाना पड़ेगा हमें. This is what is said by Heisenberg. Heisenberg uncertainty principle इसीलिए है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें एटम और माइक्रोवेव फील्ड को ज्यादा देर तक इंट्रैक्ट कराना पड़ेगा. अब हम वो कैसे कराएं, क्योंकि हम उसको ट्यूब को बड़ा लंबा तो कर नहीं सकते. उसकी लिमिट होगी कुछ 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, कितना लंबा करेंगे उसको. अगर हमें कई ऑर्डर्स पर बढ़ाना है तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमने क्या करा, एक नोबेल प्राइज विनिंग वर्क को लिया जिसमें कि हम एटम्स की वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. जो थर्मल एटम्स हैं, सपोज देयर इज ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन दिस रूम, दे आर मूविंग विद थाउजेंड्स ऑफ सेंटीमीटर्स पर सेकंड, दैट मींस मेनी मेनी मीटर्स पर सेकंड. तो इंट्रैक्शन टाइम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि एटम्स के ऊपर हम लाइट डालेंगे, उससे एटम्स को स्लो, और फोटोन को जो लेजर से निकल रहा है एक पिंग पोंग बॉल या टेबल टेनिस बॉल ले लो, उस टेबल टेनिस बॉल से हमें एक मूविंग फुटबॉल को रोकना है, एटम को रोकना है. तो हम उस वाले फोटोन और एटम में पहले तो इंट्रैक्शन होना चाहिए, तभी वो उसका मोमेंटम ट्रांसफर होगा उसमें. लेकिन पिंग पोंग बॉल का या टेबल टेनिस बॉल का मोमेंटम इतना कम है कि वो हार्डली फुटबॉल को अफेक्ट करेगा. तो इफ यू शाइन मिलियंस ऑफ दीज पिंग पोंग बॉल्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन which match in frequency, which are recognized by this football, then only there is a momentum transfer. And this is the principle of laser cooling. And that is how the atoms are slowed down. The thermal atoms can be slowed down with the help of lasers. So generally, हम सोचते हैं, लोग उससे पूछते हैं कि laser तो generally चीजों को गर्म करता है. You know, it's counterintuitive. कि generally हम laser को light को डालते हैं किसी चीज के ऊपर तो वो गर्म हो जाती है चीज. लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसी मैचिंग फ्रीक्वेंसी पे लाइट को डाल रहे हैं तो वो लेजर जो है उसकी एटम की स्पीड को कम कर रहा है और धीरे धीरे इतनी स्पीड कम कर देता है कि हम इसको स्टॉप कर सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन लेजर कूलिंग एंड ट्रैपिंग ऑफ एटम्स. एंड दिस इज बेसिकली, यू नो दैट देयर इज अ डॉपलर इफेक्ट ऑल्सो. डॉपलर इफेक्ट बेसिकली वर्क्स लाइक दिस, दैट इफ एटम इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, लाइट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस एटम इज सीइंग frequency which is down converted. So moving towards the light means in atom's frame light is blue shifted. So this is how the laser cooling works. And these are the three scientists who discovered laser cooling in the lab. And based on this,
the atomic clocks were further modified. We made the cesium fountain with the help of cooling the atoms. So मैंने बताया था आपको कि हमें किसी तरह से एटम और फील्ड का टाइम बढ़ाना है, इंटरेक्शन टाइम बढ़ाना है. तो अब हमने इससे क्या करा कि एटम की वेलोसिटी को कंट्रोल कर लिया हमने. तो अब हम एटम को स्टॉप भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट स्टॉप करके हमने यहाँ पे ये एटम्स 10 मिलियन एटम्स में स्टॉप कर लिए. दे आर फ्रोजन इन स्पेस, दे आर काइनेटिक एनर्जी जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, वेरी नियर टू जीरो. सो हाउ मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक व्हिच इज कॉल्ड सीजियम फाउंटेन वर्क्स, इन एटम्स को हमने कूल कर लिया, 10 मिलियन एटम्स यहाँ पे इकट्ठे कर लिए लेजर से, बिल्कुल फ्रीज, एक बॉल बन गई, एटम्स की बॉल बन गई. सो इट्स लाइक दिस इज ए बॉल ऑफ एटम्स. नाउ इसको फील्ड से इंट्रैक्ट कराना है, ये पर्टिकुलर किसी स्टेट में है. तो इनको हमने क्या करा कि एक वैक्यूम, ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम इंट्रैक्शन कराएंगे, क्योंकि ये वैक्यूम में रहने चाहिए, तो किसी ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से किसी से भी इंट्रैक्ट कर जाएंगे, उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी सब चेंज हो जाएगी. सो वैक्यूम के अंदर हम क्या करते हैं, इस एटम को, ये बॉल ऑफ एटम्स को हम ऊपर फेंकते हैं अराउंड ए मीटर हाई. और ऊपर जाते समय क्या करते हैं हम लोग कि इसको एक माइक्रोवेव, जिससे माइक्रोवेव्स निकलती है उससे इंटरेक्ट कराते हैं. तो एटम जो है यहाँ से माइक्रोवेव कैविटी में एंटर होता है, ऊपर जाता है एक मीटर हाई और फिर नीचे गिरता है. तो ये पूरे डायरेक्शन में इंटरेक्शन टाइम हो जाता है, इसका बढ़ जाता है, एंड एटम बहुत स्लोली चल रहा है. सो दिस, अभी पहले जो है इंटरेक्शन टाइम था मिली सेकेंड के ऑर्डर का, क्योंकि वो ट्यूब छोटा सा था, अभी ये बढ़ के सेकेंड हो गया, अबाउट 1 सेकेंड तक इंटरेक्शन चलता रहता है. सो बाई दिस मेथड, बाई कंट्रोलिंग द वेलोसिटी ऑफ द एटम्स, वी इंक्रीज द इंटरेक्शन टाइम. दिस इज हाउ इट वर्क्स. The ball of atoms goes about a meter high. This is the microwave cavity, and this is the laser which measures the state of the atoms. So how these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6 lasers are shining. Ball is formed. Ball of atoms goes high. This is about 10 million atoms. तो वो यहाँ पे, फिर यहाँ पे detect कर लेते हैं state को कि whether state ये microwave से change हुई या नहीं हुई. ये वाली microwave cavity है. ये वाली जो है, ये sorry, ये वाली microwave cavity है. ये ball about, तो इससे interaction time बहुत बढ़ गया. तो हमने अपनी लैब में NPL में ये एटॉमिक क्लॉक बनाई, और इसको ऐसे बनाया हमने कि यहाँ पे हमने पहले एटम्स को कलेक्ट करा और इसको एक मीटर हाई भेजा. ये माइक्रोवेव कैविटी, पूरा वैक्यूम सिस्टम है. अब हम एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, एटम के एनर्जी लेवल्स के बारे में बात कर रहे थे. नाउ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स कैन बी शिफ्टेड बाय एनी मैग्नेट और एनी इवन नेल. अगर हमारे उस एनवायरमेंट में कोई भी लोहे का सामान है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, तो उससे क्या होगा, एटम की एनर्जी चेंज हो जाएगी. तो हमने क्या करा, इसको पूरे सिस्टम को हमने नॉट ओनली वैक्यूम में लगा, 3 लेयर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगाई और अर्थ की ग्रेविटी को भी कैंसिल करा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भी. अर्थ इज हैविंग इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. सो बिकॉज वी आर वरीड अबाउट वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट्स, तो हमने उसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को नलीफाई करा. फिर हमने जो कोई भी उसके चारों तरफ कोई नेल या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट या कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है या कोई व्हीकल जा रही है पास से, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को नलीफाई करा, मैग्नेटिक फील्ड्स लगाए, और फिर एटम्स को हमने इसमें भेजा और उसकी इंट्रैक्शन एनर्जी मेजर करी, उसकी एटम और फील्ड की इंट्रैक्शन कराया. उससे हमने, उसके लिए हमें बहुत एलोबरेट जो है ऑप्टिक्स बनानी पड़ी, क्योंकि लेजर कूलिंग इज नॉट सच ईजी थिंग. मैंने कहा था आपको कि एटम जो है, जो फुटबॉल है, वो फोटोन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए. अगर वो ये नहीं है, कोई सा भी आप पिंग पॉन्ग बॉल लगा दो, इट हैज टू मैच, द एनर्जी हैज टू मैच. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेजर एंड द एटम हैज टू मैच. सो फॉर दैट वी नीड टू हैव अ कंट्रोल ओवर द एटॉमिक फ्रीक्वेंसी, कंट्रोल ओवर द लेजर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, विच वी डू विद द हेल्प ऑफ एकोस्टो-ऑप्टिक मॉड्यूलेटर्स. एकोस्टो-ऑप्टिक मॉड्यूलेटर्स क्या करते हैं कि जो लेजर की फ्रीक्वेंसी होती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है ना, आपको मालूम ही है सब लोगों को कि ये जो लाइट निकल रही है इस बल्ब से, ट्यूबलाइट से, ये बहुत ब्रॉडबैंड लाइट है, मतलब इसकी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्स्ड है पूरी. दिस इज ए वेरी वाइट लाइट दिख रही है पूरी, मतलब रेड से लेके ब्लू तक सब कलर्स मिक्स है इसमें. लेकिन जो लेजर की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत पर्टिकुलर होती है. लेकिन जो हमारा लेजर है वो, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि वो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल फिक्स्ड है और वो अपनी जगह से चेंज नहीं हो रही है. जो हीलियम वाला लेजर, जैसे ये वाला लेजर है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे लेजर से 1000 times जो है बहुत ब्रॉड है. जो हमारा लेजर है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत नैरो है, और फिर ये फ्रीक्वेंसी जो है टाइम के संग थोड़ी चेंज हो सकती है इसलिए हीलियम नियॉन लेजर की. लेकिन जो हमारा लेजर है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती, नहीं तो एटम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसे मानेगा नहीं उसको. तो इसलिए हमने काफी एलोबरेट एक सेटअप बनाया जिसकी वजह से हमने लेजर कूलिंग करी एटम्स के ऊपर,
ये पूरी लैब में जितने भी लेजर्स हैं और ऑप्टिक्स हैं, फाइनली लाइट जो है बहुत सारे मिरर्स और एपोस्ट्रोफिक मॉड्यूलेटर्स और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के बाद फाइबर्स में जाती है, उससे जो है ऑप्टिकल फाइबर्स से फाइनली हम कोल्ड एटम्स बनाते हैं। दिस इज हमारे लैब में ये 10 मिलियन कोल्ड एटम्स हैं जिनका टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो है। आपके पास एक टॉक है अभी फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर के बारे में। सो वी आर रीचिंग वेरी नियर टू बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीसी जो स्टेट है उसके पास में हम पहुंच गए 125 माइक्रो केल्विन, मतलब कि ये 1 डिग्री केल्विन से भी नीचे है, ये 125 माइक्रो केल्विन है, मतलब कि वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो जो टेम्परेचर स्केल है, मतलब काइनेटिक एनर्जी उस एटम की ऑलमोस्ट जीरो हो गई। सो हमने ऐसा एटम बना लिया जिसकी एटम क्लाउड बना लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी एटम जिसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो है। तो ये अभी हमारी लैब में हमने एक्सपेरिमेंट करा, इसमें ये एटम थे हम लेजर से फिर इसको ऊपर फेंकते हैं माइक्रोवेव कैविटी के थ्रू और उसको इंफेक्शन कराते हैं, उससे फिर हमारा ये पूरा हाउ दिस इज द मैग्नेटिक शील्ड जो मैंने बताई थी आपको, यहाँ पे हमने अर्थ को कैंसिल करने के लिए ये पतले पतले से हेलमोट्स कॉइल लगा रखे हैं जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करते हैं, क्योंकि एटम की एटमिक एनर्जी लेवल हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये पूरा सिस्टम वैक्यूम के अंदर में है और फाइनली ये वी आर वेरी प्राउड that this is the only cesium fountain, one of the cesium fountains in the whole Asia region. So this is India CSF1, which has been made, which is the most accurate clock in the country, and this is giving time to the highest accuracy possible. This is called a cesium fountain. And इसकी ये जो line width आई हमारी, जो मैंने कहा था line width को कम करना है हमें, तो line width जो है तो मतलब कि 9.54 में 9.54 हर्ट्ज इतना क्यू फैक्टर आ गया हमारा, बहुत हाई क्यू है। तो हमने एक्यूरेसी प्रिसीजन के बारे में बात कर रहे थे आपसे, अगर किसी ने तीरंदाज ने तीर मारे और इस जगह पे लगे, ये बहुत प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है क्योंकि सेंटर में लगने चाहिए थे। सो अगर यहां तो ना तो एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है, यहां पे सेंटर की तरफ तो है लेकिन स्प्रेड बहुत ज्यादा है, प्रिसाइज नहीं है, यहां पे एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। सो दिस इज व्हाट वी डिजायर टू हैव वेरी हाईली एक्यूरेट एंड हाईली प्रिसाइज, मतलब टाइम के संग चेंज नहीं होना चाहिए आपका मेजरमेंट। सो ये मैंने बताया आपको कि पेंडुलम से लेके आज 2000 इज ए एटॉमिक एरा, वी कॉल इट एटॉमिक एरा। सो वी हैव अ सीजियम फाउंटेन क्लॉक व्हिच इज परफॉर्मिंग टू ए हाईएस्ट एक्यूरेसी लेवल, एंड दी पहले जो है अर्थ के रोटेशन में वेरिएशन पाया गया, फिर पल्सार्स भी एटॉमिक क्लॉक्स की हेल्प से डिस्कवर हुए, फिर जो आप नेविगेशन कर रहे हैं अपनी मोबाइल फोन में जीपीएस भी एटॉमिक क्लॉक्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये मैं आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा था कि कह रहा था कि व्हाइट लाइट में बहुत सारी कलर्स मिक्सड हैं, तो ऐसे ही ये जो रुबिडियम की फ्रीक्वेंसी है वो माइक्रोवेव में है, रुबिडियम या सीजियम की। तो अभी हमने ऐसे एटॉमिक क्लॉक बनाई है जो ये मैंने बताया था, ये जो सीजियम क्लॉक है ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इसमें माइक्रोवेव डालने पड़ते हैं, 9.1 गीगाहर्ट्ज़ की माइक्रोवेव डालनी पड़ती है एटम के ऊपर। लेकिन अभी हमने एक ऐसी ये हमारी ये वाला जो काम बता रहा हूँ मैं, ये अभी हम कर रहे हैं काम, ये फ्यूचरिस्टिक क्लॉक है, ये अभी हमने बनाई नहीं है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक सिंगल आयन को ट्रैप करेंगे, पहले इट्रिबियम आयन लेंगे उसको ट्रैप करेंगे और उसकी गीगाहर्ट्ज से हम टेराहर्ट्ज में आ जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई तो और इसका डेल्टा न्यू सेम रहा तो ये एक्यूरेसी ऑफ द क्लॉक बहुत बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमने वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है, हमने अपना काम स्टार्ट करा है इट्रिबियम आयन में और उसकी बेसिस पे हमने ये ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड बना रहे हैं जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रोड है उनके इस और इसके बीच में अबाउट 50 माइक्रोन का डिस्टेंस है, इसके बीच में एक आयन ट्रैप करेंगे हम और इसको लेजर से कूल करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे हम। सो दिस इज अ यूनिक सिस्टम विच वी आर डेवलपिंग नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। सो दिस इज अ ऑप्टिकल क्लॉक इन विच वी आर मेजरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इट्रिबियम आयन विद ए हाईएस्ट एक्यूरेसी पॉसिबल, -17 के ऑर्डर की मेजरमेंट करेंगे हम, इसमें फ्रीक्वेंसी अनसर्टेनिटी फ्यू पार्ट्स में -17 हो जाएगा और इसका ट्रांजिशन होगा 9.1 गीगाहर्ट्ज़ की जगह 642 टेराहर्ट्ज़ पे, दैट मींस इन नियर यूवी
ये 467 नैनोमीटर इज वेरी नियर यूवी. सो इसके बेसिस पे ही हम लोगों ने ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो यूएस ने बनाया है, विच इज बेसिकली बैंक ऑफ अबाउट 24 सैटेलाइट्स. हर सैटेलाइट पे एटॉमिक क्लॉक्स हैं. ये जो जीपीएस में जितनी भी क्लॉक्स हैं, 24 सैटेलाइट्स आर गोइंग अराउंड द अर्थ एंड ईच क्लॉक इज हैविंग ईच सैटेलाइट इज हैविंग टू और थ्री एटॉमिक क्लॉक्स, सीजन क्लॉक्स हैं इस पे. उसकी बेसिस पे आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालते हैं ये, क्योंकि आपके मोबाइल में जीपीएस रिसीवर है जो तीन सैटेलाइट से आपका डिस्टेंस मेजर करता है और उससे आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालता है. तो वो मेजरमेंट इज बिकॉज ईच ऑफ दीज सैटेलाइट्स आर हैविंग एटॉमिक क्लॉक्स ऑन बोर्ड. तो आपकी क्लॉक्स इस वाले सैटेलाइट से यहां तक का, इस वाले सैटेलाइट से यहां तक का और इस वाले सैटेलाइट से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करने के बाद ही आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ट्रायंगुलेशन मेथड से निकाल सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट दीज नेविगेशन सिस्टम वर्क्स अबाउट. तो ग्लोनास इज अनदर नेविगेशन सिस्टम. ये रशियन है और रशियन सिस्टम जो है मे बी 24 सैटेलाइट्स हैं. कई मोबाइल फोन्स में ग्लोनास के सिग्नल्स भी आते हैं हमें मालूम है. और एक यूरोप में सिस्टम बना रहा है जिसका नाम है गैलीलियो. लेकिन इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने भी कोई अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया? हाँ, हमने भी बनाया. अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि हमने इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया है, जिसमें अभी 4 सैटेलाइट ऑलरेडी स्काई में जा चुके हैं. ऑल ऑफ देम आर एटॉमिक क्लॉक्स ऑन बोर्ड. तो इंडिया ने इसको बनाया इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. ये ग्लोबल सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ इंडिया को ही कवर करता है. ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही कवर करेगा. इट विल नॉट बी ए ग्लोबल लाइक जीपीएस. जीपीएस जो है अमेरिकन सिस्टम है. तो इसलिए बिकॉज इट इज हैविंग स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस. इंडिया में अगर आपको उस्मान बिन लेदन है, किसी को ढूंढना है, तो उसके लिए जीपीएस को यूज करना पड़ता है उनको. लेकिन अगर इंडिया के पास अपना कोई सिस्टम नहीं होगा, वी विल नॉट बी एबल टू डू एनी स्ट्रेटजिक वर्क विद इन द इंडिया. सो नेविगेशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री. And that is why we are making this Indian Regional Navigation Satellite System. और इस Indian Regional Navigation Satellite System में अपने homemade घड़ियां लगा रहे हैं, atomic clocks, rubidium based लगा रहे हैं, stationary in 4 geosynchronous. So this is the constellation of, this is the only constellation which we are developing in India. And these are atomic clocks which are developed in India for these satellites basically. And we are doing this for accurate navigation. For high speed communication, for high speed computations, and also we are doing a lot of fundamental work to test the laws of physics. I think navigation system is the most important application actually for atomic clocks for general purpose. So presently we are able to measure picoseconds, but in future we are likely to go to attoseconds and zeptoseconds also. And this is the ultimate measurement which any physics, anybody can do in the world. Nobody can do any quantity measurement better than this. And this is what we have done in NPL. Thank you very much for the attention. Yes, any questions? For uncertainty principle, sir. Sir, it is impossible for an atom to determine its momentum and position at the same time. Absolutely. Sir, I wanted to ask, sir, my question is that, sir, if momentum of any atom is telling you, तो मोमेंटम सर मास इनटू वेलोसिटी. तो सर हम अगर एक पार्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन तो ऑलरेडी डिटरमाइंड है ना सर. इनडिटरमाइंड है अगर हम एक्यूरेटली मोमेंटम बता पा रहे हैं तो. सर ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं, बिकॉज़ सी दैट इज व्हाई दिस लॉज ऑफ इफ दीस आर काउंटर इंट्यूटिव थिंग्स. अगर हम मोमेंटम को एग्जैक्टली मेजर कर लेते हैं तो मास को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे. सॉरी, वेलोसिटी को मेजर नहीं कर पाएंगे. सर बट ऐसा क्यों? सर नहीं, क्योंकि दिस इज दोनों चीजें जो है काउंटर इंट्यूटिव है, मतलब अपोजिट है दोनों चीजें. हाँ बताइए सर. इलेक्ट्रॉन की बात करो सर. यस, कोई भी मूविंग पार्टिकल है. यस ठीक है, उसकी वेलोसिटी आप कब मेजर कर सकते हैं? मूविंग पार्टिकल. हाँ यस, मोमेंटम है. यस ठीक है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो क्लियर नहीं कर सकते आप, उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते. कोई भी एरोप्लेन जा रहा है नहीं, कैसे बता सकते? कोई भी मोमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या आप उसकी पोजीशन को एग्जैक्ट उसकी पोजीशन बता सकते हैं? नहीं बता सकते. ठीक है, तो केवल एक ही, या तो मोमेंटम या पोजीशन, कोई एक ही आप डिटरमाइन कर सकते हैं.
सिमल्टेनियसली दोनों एक साथ क्लियर सुनना उसे उसे ओके थैंक यू। जो जो पहले हम जनरली सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन चाहे ऐसे हो एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है, यस वेरी गुड। सो बेसिकली व्हेन वी हैव या यू आर करेक्ट, रुबिडियम इज अंदर चॉइस, पोटेशियम इज अंदर चॉइस, सोडियम इज देयर। सो व्हाट इज हैपनिंग इज द एनर्जी लेवल्स व्हिच आर कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज डिफरेंट एल्कली एटम्स आर हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। So at that moment of time in 1960s, there was World War before that, the microwave source were discovered. So there was very easy to make it 10 gigahertz source. Jo the isotopes, jo rubidium ke hain, two isotopes hote hain. Francium ki frequency. Kiski? Francium. Francium atom ki mujhe exactly to yaad nahi hogi, lekin lekin jo hai iski frequency jo hai gigahertz se bhi kam hogi. Bahut kam hogi. जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी ना उतना ही इनएक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक बनेगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी एक्यूरेट बनेगी। तो इसलिए ये भी रीजन है दैट सीज़ियम वाज़ चूज़न बिकॉज़ इट इज़ एट अ हायर फ्रीक्वेंसी तो एटॉमिक क्लॉक्स है ना, एटॉमिक क्लॉक्स इसीलिए तो बनी है कि जो है ये मोर एक्यूरेट बनाने के लिए तो बनी है, यही तो पर्पस है इसका। A Maser-based atomic clocks are ones in which hydrogen atoms are probed, which are at 1.4 gigahertz. So it's also another atomic clock. So it's कोई कारण नहीं होगा कि उससे कम भी ले सकते हैं, उससे अधिक भी ले सकते हैं। नहीं, लेकिन फिर पूरा स्केल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप एक घंटे एक दिन को 10 घंटे या 15 घंटे या 20 घंटे भी चेंज करते हैं, तो उससे पूरा टाइम स्केल चेंज हो जाएगा। तो 24 की जगह 20 बनाना चाहते हैं आप, ये कह रहे हैं? नहीं, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। अभी हम लोग वी आर वेरी हैप्पी विद द करंट सिस्टम एंड इट विल बी मेजर चेंज वर्ल्ड वाइड। तो सर उस समय कुछ ऐसा कारण होगा ना कि उसको 24 ही किया गया। वो उनको उनका 12 जो सेक्रेट नंबर था उस समय उनका, दैट सिविलाइजेशन हैड ए 12 एज ए सेक्रेट नंबर। जैसे अभी हम लोग 10 को बहुत अच्छा मानते हैं, बेस यूनिट लेते हैं, उस समय 12 को मानते थे, बेस यूनिट 12 थी उस समय। तीन या चार सैटेलाइट्स आपकी पोजीशन पे सिग्नल जरूर आएगा किसी भी जगह पे वर्ल्ड में, कहीं पे भी हो, पोल पे हो, चाहे आप यूएस में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे जापान में हो, किसी भी जगह हो, 24 सैटेलाइट घूम रहे हैं अर्थ के चारों तरफ, हर सैटेलाइट पे एटॉमिक क्लॉक है और हर सैटेलाइट से तो आपको ट्रायंगुलेशन मेथड से आप उन चार सैटेलाइट की हेल्प से अपनी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। और वो कितनी एक्यूरेटली आप मेजर कर सकते हैं लेंथ फ्रॉम सैटेलाइट टू योर रिसीवर, दैट डिसाइड्स योर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट एंड दैट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक क्लॉक्स व्हिच आर ऑन बोर्ड ऑन दोस सैटेलाइट्स। सो बिकॉज़ दोस एटॉमिक क्लॉक्स आर एबल टू मेजर टाइम वेरी एक्यूरेटली, सो यू आर एबल टू मेजर योर लोकेशन विद इन फ्यू मीटर्स, यू आर एबल टू सी एटॉमिक क्लॉक। सर की माइंड की मेमोरी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, साथ ही उसकी बात की सिस्टम के एटम्स को लेते हैं, अगर वन इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होने से जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बहुत क्लियर रहता है, उसकी स्प्लिटिंग बहुत क्लीन होती है, उसकी एनर्जी लेवल्स जो है ओवरलैप नहीं करती है जनरली। भाग अच्छा लगा होगा, बोलिए बोलिए। या दैट इज बिकॉज़ ऑफ द ग्रेविटी, द आइंस्टीन्स theory is there. There is a singularity there in the black hole. So the gravitational field is so small that the Cartesian coordinates itself changes. You know, this Cartesian system also fails there at that moment of time. So black hole में हम यही theories नहीं लगा सकते, relativistic phenomena लगाने पड़ते हैं।
आइंस्टीन ने हमें जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताया था वो ब्लैक होल के लिए एप्लीकेबल है। फिर ये फिर टाइम डायलेशन और टाइम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं फिर हम लोग, बिकॉज इवन द स्पीड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट एप्लीकेबल देयर देन इन द ब्लैक होल। Very good question actually. I will say that, see, this is basically, there are many purposes for that, there are many reasons. One is that internationally, jo hai, maan lo aapne India mein koi aeroplane ka part banaya, ya auto car ka koi part banaya, wo nanometer level pe accurate hona chahiye, tabhi jo hai wo us part mein fit hoga, nahi to ho sakta hai wo reject ho jaye. Agar wo to agar hamari measurement unit और उनकी मेजरमेंट यूनिट अलग होगी तो वो कभी भी मैच नहीं करेगा। सो दिस इज गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट हर कंट्री को एक ही मेजरमेंट यूनिट लेनी है और उसको हाईएस्ट प्रिसिजन पे मेजर करना है, जिससे कि इंटरनेशनली आपका मेजरमेंट उनके मेजरमेंट से अलग ना हो, एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड, वो कोई फेल नहीं कर सकता उसको। उसको ये नहीं कह सकते ये गलत मेजरमेंट कराया हमने। मैंने गोल्ड का एग्जाम्पल दिया था, ऐसा ही होता है कि आपने कोई गोल्ड खरीदा, फिर एक जना कहेगा कि इसका वेट इतना है, दूसरा जना कहेगा इसका वेट इतना है, तो वी नीड टू डू सम एक्यूरेट मेजरमेंट्स टू वेरीफाई दैट वेट, एंड दैट इज डन बाय एनपीएल। सो इफ मास गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड, वाटर इज हैविंग सर्टेन मास, द आइस इज हैविंग सर्टेन मास, सो द आइस मेल्ट्स इन इट्स फ्रीक्वेंसी, द अर्थ चेंजेस इट्स फ्रीक्वेंसी, and that is how it is working like that. So sir, scientists sir use karte hain sir, clock timing sir, time scientists use karte hain, yes sir, jo abhi aap bataya sir, mic mein bolna question mein same hai, hello, ha ji, mic mein sir, the scientists which use sir time sir pata karne ke liye sir, jo 0.5 something sir you have told na, साइंटिस्ट बेसिकली हम एटॉमिक क्लॉक्स के ऊपर, आप ये पूछ रहे हो, यस सर, अभी आपने बताया ना सर 0.5 समथिंग करके सर, जो सर जेनियल सर ऐसा कुछ करके आपने बताया था, कुछ 0.5 जूलियन कैलेंडर, जूलियन मॉडिफाइड, मैं तो एक्यूरेसी के बारे में बता रहा था कि इसकी -15 ऑर्डर की एक्यूरेसी होती है, 0 मान, ये 1400 4713 का 1 जनवरी को जूलियन कैलेंडर माना गया, सो दिस इज 0 ड्राइव यूनिट्स, यस, सो ईच ड्राइव यूनिट इज हैविंग इट्स डिफरेंट एक्यूरेसी, जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम माइक्रो केल्विन या मिली केल्विन में मेजर करते हैं, तो हर ड्राइव मिली टॉर माइक्रो टॉर माइनस बहुत स्मॉल यूनिट पे भी मेजर कर सकते हैं, -6 के ऑर्डर पे भी मेजर कर सकते हैं, तो हर ड्राइव यूनिट को हर की अलग अनसर्टेनिटी है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन हाउ द ड्राइव यूनिट इज कमिंग फ्रॉम, जैसे कि जो लेंथ है, लेंथ इज कमिंग फ्रॉम टाइम वाया वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अ फंडामेंटल कांस्टेंट, इट्स हैविंग इट्स फिक्स्ड नंबर, और अगर आपने लेंथ को मेजर करना है तो पहले टाइम को एक्यूरेटली मेजर करना पड़ेगा, तो आप लेंथ निकाल सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ दिस यूनिट इज ड्राइव, each drive unit will have, जितनी ज्यादा उसकी units involved होंगी उतनी ज्यादा inaccuracy होगी उसकी, yes, so this is you are talking about quartz, yes, quartz में the, I told you there is material which is having piezoelectric effect, so this piezoelectric effect, the frequency which I showed you 2 to the power 15, that frequency is for certain thickness, कटा होगा तो उसकी frequency उतनी होगी, अगर करेक्ट, उसका मतलब हुआ कि जो अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन है उससे कितना जो सैटेलाइट है वो किस एंगल पे रोटेट कर रहा है अर्थ के, इक्वेटोरियल प्लेन से कितना एंगल बन रहा है, दैट इज दैट इक्वेटोरियल एंगल, दैट इज दैट एंगल इंक्लिनेशन एंगल। फाउंटेन में पानी ऊपर जाता है और फिर फाउंटेन की तरह से नीचे गिरता है, तो ऐसे ही सीजियम फाउंटेन में सीजियम एटम्स ऊपर जाते हैं और वो फाउंटेन की तरह से नीचे गिरते हैं, फॉलिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड इट इज गोइंग अप एंड ट्राइंग टू फॉल अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड फॉलोइंग द सेम पाथ, सो सीजियम एटम्स आल्सो आर ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड देन कम डाउन विद द ग्रेविटी,
and pass through the same microwave cavity. Which I showed you 10 million cold atoms. उसको लेजर से हम धक्का देते हैं थोड़ा सा. तो वी कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मोमेंटम वी आर अप्लाइंग ऑन दोस एटम्स विद द हेल्प ऑफ लेजर्स. सो हम लेजर को नीचे से एक लेजर शाइन करते हैं जो कि एटम को कितना ऊपर भेजना है, 1 मीटर भेजना है, 2 मीटर भेजना है, 3 मीटर भेजना है, वो कंट्रोल कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल अफेक्ट करती है. बहुत अच्छा क्वेश्चन. मैंने कहा ये रियली ये दिस इज द करंट वो 1 किलोग्राम है जो एनपीएल में रखा हुआ है. वो उसी किलोग्राम के अगेंस्ट में जितने भी एनपीएल में पूरे कंट्री में मेजरमेंट्स होते हैं उसके अगेंस्ट ही होते हैं. अब लोगों ने मैंने बताया कि ये अभी ये कहा गया कि सब चीजें जो है एटम्स के ऊपर बेस होनी चाहिए. सभी अभी जो है हेसनबर्ग सॉरी प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर एच के ऊपर जो है ना मास जो है वॉट बैलेंस के हिसाब से नया वॉट बैलेंस बनाया जा रहा है जिसमें कि मास विल नॉट बी ए प्रोटोटाइप. इट विल नॉट बी ए किलोग्राम. इट विल बी क्वांटम फिनोमेना बेस्ड कांस्टेंट कनेक्टिंग लेंथ विद द टाइम. तो ऐसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट इज कनेक्टिंग लेंथ टाइम एंड मास. सो ऑल द यूनिट्स फर्दर यूनिट्स आर फाइनली गोइंग टू डिराइव फ्रॉम टाइम इटसेल्फ. टाइम इज द क्वांटिटी व्हिच विल बी यूज्ड कांस्टेंट्स के ऊपर बेस्ड. Dr. Lakshman Prasad, sir, to present mentor to our mentor, Dr. Ashish Agarwal, scientist at NPL New Delhi. सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? तो उसका इनका जो है ईमेल वगैरह किस आधार पर?